students, today we will discuss about class 9 NCERT lesson triangles. This is part 14 video. In this video, we will discuss about exercise 7.1 question number 6. Okay, see the question. In figure AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD is equal to EAC. आपको given figure देख रहे हैं, यहाँ पर देखो AC. ये AC is equal to क्या है यहाँ पर AE है. ये दो sides equal हैं. Then AB is equal to AD. AB is equal to AD. ये दो sides equal हैं. Then again angle BAD. BAD ये वाला angles किसको equal है? Angle EAC. ये angles को equal है. Okay? Then question में क्या पूछा है? Show that BC and DE. आपको क्या पूछा है? BC and ये DE. Okay? अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है. जो प्रूव करना है, जो साइड से यहाँ पर प्रूव करना है वो कौन से ट्रायंगल्स में आते हैं. ओके तो यहाँ पर क्या है BC. तो BC देखो, यहाँ पर BC को चेक कर लो. तो यहाँ पर देखो ये BC, ये वाला BC ये कौन से ट्रायंगल्स में आ रहा है? ये वाले ट्रायंगल्स में आ रहा है. ये ABC ट्रायंगल्स में आ रहा है. ओके एंड DE, DE कौन से एंगल्स में आ रहा है? ट्रायंगल्स में आ रहा है. ये DE ये वाले ट्रायंगल्स में आ रहा है. ओके ये रेड वाला ट्रायंगल्स देखो, इसमें आ रहा है. अब यहाँ पर देखो तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों इक्वल दिखाने के लिए ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स लेना होगा, बिकॉज उसमें साइड इंक्लूडेड है, कौन से BC एंड DA. अब यहाँ पर सबसे पहले अगेन अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये ट्रायंगल्स में देखो ये ओनली ये वाला एंगल्स क्या है यहाँ पर इक्वल है ये एंगल से. ओके तो हमें तो ये ट्रायंगल्स और ये वाला ट्रायंगल्स और ये वाला ट्रायंगल्स कंपेयर करना है, बट एंगल्स यहाँ पर ये और ये इक्वल देख रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल्स इक्वल बना लेते हैं. ये वाला ये एंगल्स कौन से एंगल्स को इक्वल बना लेते हैं? ये वाले एंगल्स को, ये वाला एंगल्स को अच्छी तरह से देखो. ये वाला एंगल्स ये एंगल्स को इक्वल बना देंगे. अब क्यों बनाएंगे? बिकॉज यहाँ पर इसकी पेयर बन जाएंगे. ओके क्योंकि यहाँ पर बी ए डी, ये बी ए डी और यहाँ पर क्या है ई ए सी, ई ए सी ये तो हमें गिवन दे करें. ओके तो उसमें ये वाला ट्रायंगल्स बच गया है. ओके ये वाला, अगर ये वाला एंगल्स हम ये ट्रायंगल्स में और ये ट्रायंगल्स में ऐड करते ओके मतलब ये वाला एंगल्स, ये एंगल्स लेकर हम ये एंगल्स और ये एंगल्स में ये बीच का एंगल्स हम ऐड करते, अगर ये वाला बीच का एंगल्स हम यहाँ पर ऐड करते तो हमें ये एंगल्स और ये एंगल्स मिल जाएगा. ये मिलना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स हम ले रहे क्योंकि उसमें साइड ये कौन सी BC एंड D इंक्लूडेड है. ओके ये बात समझ में आई? तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें गिवन में क्या देख रहे हैं BAD, ये तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये एंगल्स इक्वल बना लेते हैं. तो क्या होगा, अब आपको देखो क्या देख रहे हैं इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर वी हैव ओके गिवन क्या देख रहे हैं, एंगल बी ए डी एंड एंगल ई ए सी आपको गिवन देख रहे हैं. यहाँ पर देखो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्या है ई ए सी, ये वाला एंगल ई ए सी ये आपको गिवन में देख रहे हैं. ओके अब अभी बता दिया है ये वाला एंगल्स में, अब हमें क्या करना होगा, ये वाला एंगल्स इधर भी ऐड कर दिए, ये एंगल्स में और ये एंगल्स में भी अगर हमने ऐड कर दिए तो हमें ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स मिल जाएगा. सो ऐड कर देंगे यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर एंगल बी ए डी में, बी ए डी में कौन सा एंगल ऐड कर रहे हैं, ये वाला एंगल्स, कौन सा डी ए सी ये वाला एंगल्स ऐड कर रहे, एंगल डी ए सी ऐड कर रहे. ओके इज इक्वल टू सिमिलरली क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये एंगल्स में, एंगल ई ए सी में, एंगल ई ए सी में अगेन यही एंगल्स ऐड कर रहे हैं, सेम एंगल्स कौन सा है डी ए सी, डी ए सी ये एंगल ऐड किए दोनों, मतलब दोनों तरफ मतलब एंगल डी ए सी और डी ए सी ऐड किए हमने. क्यों? बिकॉज हमें अब यहाँ पर अब देखो बी ए डी, बी ए डी और डी ए सी मिलाकर हमें कौन सा एंगल्स मिल रहा है बी ए सी, ये वाला एंगल्स मिल रहा है. ओके सो क्या होगा बी ए डी और डी ए सी मिलाकर एंगल बी ए सी हो जाएगा, बी ए सी ये एंगल्स मिल गया. नाउ देन ई ए सी, ई ए सी में डी ए सी ये वाला एंगल्स ऐड हुआ यही, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर
देखो ये एंगल्स में एंगल्स ऐड हुआ है, तो यहाँ पर ई ए डी ये होल एंगल्स मिल जाएगा हमें, कौन सा है ई ए डी, ये दो एंगल्स ऐड करके ये एक एंगल्स मिलेगा ई ए डी, ये लिखते हैं एंगल ई ए डी। ओके सर इसको इक्वेशन वन दे देते हैं, हुआ मतलब ये एंगल्स और ये एंगल्स हमने इक्वल बनाया क्योंकि हमने ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स लेना है, ये वाला रेड ट्रायंगल्स और ये ब्लू ट्रायंगल्स लेना है बिकॉज उसमें साइड BC और DE इंक्लूडेड है। ओके अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा अब कंपेयर कर लो, सो क्या होगा इन ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल्स लेना है, इन ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड कौन सा ट्रायंगल्स लेना है यहाँ पर ABC और EAD ये वाला ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स EA ABC और EAD ये वाला ट्रायंगल्स। ओके EAD ये ट्रायंगल्स लेना है। अब इसमें देखो इक्वल पेयर्स कौन से ये देखना है, अब ये ट्रायंगल्स में और ये ट्रायंगल्स में, तो यहाँ पर देखो AC ये ट्रायंगल्स की AC साइड और ये ट्रायंगल्स की AE साइड इक्वल है, तो क्या मिलेगा हमको AC इक्वल टू AE मिलेगा यहाँ पर, और ये ऑलरेडी गिवन में देख रहे AC इक्वल टू AE, एक पेयर हो गए हमारे यहाँ पर, क्या हो गया यहाँ पर AC इज इक्वल टू AE। ओके ये कहाँ पर देख रहे हमें गिवन में देख रहे, कहाँ पर देख रहे गिवन में देख रहे। नाउ सेकंड देखो अब यहाँ पर ये यहाँ पर देखो ये साइड AB और यहाँ पर AD, मतलब ये ट्रायंगल्स ABC ट्रायंगल्स के लिए ये साइड AB और यहाँ पर EAD ट्रायंगल्स के लिए ये साइड AD, दोनों इक्वल से और गिवन में भी देख रहे AB AB इक्वल टू AD देख रहे AB इक्वल टू AD, और ये AB ये ट्रायंगल्स की साइड हो गई और AD ये ट्रायंगल्स की साइड्स हो गई, तो ये हम दिखा सकते हैं और गिवन में है हमें देख रहे AB इक्वल टू AD, तो क्या होगा AB इज इक्वल टू ये होगा AD, ये भी हमें क्या देख रहे गिवन में। ओके देन अगेन यहाँ पर देखो हमने अभी हमने ये एंगल्स ये वाला एंगल्स प्रूव किया था, ये एंगल्स BAC और एंगल्स EAD ये वाला एंगल्स, ओके ये हमने प्रूव किया था ये BAC एंड EAD, तो ये एंगल्स आएगा क्योंकि ये ट्रायंगल्स में एंगल्स आ रहा है और ये ट्रायंगल्स में एंगल्स आ रहा है, दोनों इक्वल बन रहे, सो क्या होगा यहाँ पर एंगल ABC सॉरी BAC एंगल BAC ये BAC इज इक्वल टू एंगल क्या होगा EAD, क्या आएगा EAD ये वाला एंगल्स, एंगल EAD कहां से लिया हमने फ्रॉम वन। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में मतलब कंपेयर करो हमें थ्री पेयर्स मिल गए यहाँ पर, देखो कौन सी ये AB इक्वल टू AD मिल गई, यहाँ पर AE इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर AC ये मिल गया और ये एंगल्स मिल गया इक्वल। ओके सो यहाँ पर क्या होगा देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EAD का बन जाएगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, सो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर ये ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स EAD EAD। ओके रीजन क्या रहेगा यहाँ पर बाय साइड एंगल, यहाँ पर देखो साइड एंगल साइड, ओके क्योंकि हमें ये दो साइड्स हैं और ये दो साइड्स मिले, ओके और एक इंक्लूडेड एंगल्स मिला है, ओके ये साइड ये इंक्लूडेड एंगल्स और ये साइड्स, ओके सो क्या होगा यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी कॉन्क्लूड ट्रायंगल ईएडी बाय ऐसे ऐसे इक्वल मिलेगा कौन सी साइड एंगल साइड, ओके साइड एंगल साइड से मिल रहा है हमें, सो क्या होगा बाय S A S rule by S A S rule से, ओके जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमें इक्वल मिल रहे हैं ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है इक्वल मिल रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे ये BC इक्वल टू DE क्या मिलेगा हमें इक्वल मिल जाएगा, तो ये हमको प्रूव करना था BC इक्वल टू DE, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या ये BC इसकी साइड और DE इसकी साइड, तो क्या होगा ये BC इज इक्वल टू DE मिल जाएगा, रीजन क्या रहेगा बाय CP CT
ओके तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।